केवल यह कह दिया कि आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, आपका जो स्टेटस पहले था वो बना रहेगा। तो ये बातें हुई, लेकिन कोर्ट ने संवैधानिक पहलुओं पर बात नहीं की। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिन मुद्दों पर कोर्ट ने चुप्पी साध ली, हाई कोर्ट ने कुछ क्लियर कट नहीं कहा। आजकल न्यायपालिका की जो स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं, खैर अभी भी उसका कोई ऑप्शन बंद नहीं हुआ है और रास्ते बंद नहीं है, कुछ न कुछ दिमाग हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन बात रही कि सक्षमता परीक्षा हम लोग को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो हम पहले भी बता चुके हैं क्यों विशिष्ट शिक्षक आखिर क्यों बनना है। हमारे साथी लोग कहते हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक हम लोग को देना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं देना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षक बनने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, तो लाभ और हानि का तुलनात्मक हमने एक वीडियो हमने बनाया था और हमने पहले बताया था कि तुलनात्मक रूप से क्या लाभ हो सकता है, क्या नफा नुकसान हो सकता है। जो एक राज्यकर्मी होता है उस राज्यकर्मी को क्या चीज़ें मिलती हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं में राज्यकर्मी को सेवानिवृत्ति के उपरांत एक राज्यकर्मी को चार चीज़ें मिलती है, जिसमें उनका ईएल होता है, ग्रेचुटी होती है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है और जीपीएफ होता है, और उसके बाद बचता है पेंशन। ये मुख्य रूप से यही फैसिलिटी राज्यकर्मी की है जिसके लिए हम लोग इतना हायतवा मचा के रखें। तो हमने पहले भी बताया था कि हमारी जो लड़ाई है वह किस तरह से चल रही है। आपको ईपीएफ का जो लाभ मिला, बिहार के तमाम साथियों को मैं फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूँ, यह ईपीएफ का लाभ इसी तरीके से ढुलमुल रवैये से आपको नहीं मिला था। यह ईपीएफ के लाभ के लिए 2016 में ही 89-10 हमने केस दर्ज किया था हाईकोर्ट में, और ईपीएफ ने बजाबता ईपीएफओ ने यह खुद से जाकर काउंटर एफिडेविट दिया कोर्ट में और कहा कि नहीं ये लोगों को ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए। तो आज आपको ईपीएफ का लाभ मिला, पर इस तरीके से नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं हम लोग का विजन था। तो ईपीएफ का लाभ आपको मिला, जब आप जाएंगे राज्यकर्मी बनेंगे तो उसमें जीपीएफ लोग कटवाते हैं, लेकिन अब तो जीपीएस भी नहीं, अब तो एनपीएस है। तो उसमें क्या होता है कि पीएफ के फंड में, केवल पीएफ के फंड में सरकार कोई पैसा नहीं देती है, उसमें कर्मचारी अपना कटवाते हैं। जो जीपीएफ का समान भविष्य निधि का कोई नहीं, उसमें केवल और केवल अपना कर्मचारी अपना कटवाता है। रही बात आपको ग्रेचुटी की, तो हमने आपसे वायदा किया था कि आपको हम ग्रेचुटी का लाभ दिलवाएंगे, अब वह दिन दूर नहीं है। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई है। पिछले दिनों जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का रुख जो सख्त था, और यह एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर को भी आपको ग्रेचुटी का लाभ देना होगा, तो ग्रेचुटी का लाभ आपको मिलेगा। अब जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, मेरे भाई बंधु, जरा आप सोचिए कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि यह विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जिला स्तर पर आप एकल संवर हो जाएंगे, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर के आप टीचर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नए डिस्ट्रिक्ट कैडर में जब जाएंगे तो पूर्व के आपके सेवा की गणना नहीं होगी। तो पूर्व के सेवा की जब गणना नहीं होगी तो जब आप रिटायर करेंगे तो जो 20 साल से काम कर रहे हैं, इन 20 वर्षों के सेवा के आधार पर आपको मिलने वाली ग्रेचुटी का स्पष्ट रूप से नुकसान होता हमको दिख रहा है। हम 20 वर्ष सेवा कर लिए और आज से हमारी नई सेवा स्टार्ट होगी, तो 20 वर्षों के लिए हमारा जो कम से कम 10 माह का जो ग्रेचुटी मिलता रिटायरमेंट के टाइम में, तो वो तो हमको नहीं मिलेगा, ये तो हमारा नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ग्रेचुटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, सीनियरिटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब यूनिफाइड कैडर बनेगा तो उस कैडर में जाने के दिन से फिर हमारी सीनियरिटी का निर्धारण किया जाएगा, तो हमारी सीनियरिटी का नुकसान हो जाएगा। प्रमोशन की जो हमारी बातें हैं, वो प्रमोशन के लिए हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आज वो कल वो हम लोग को जाना है। अभी जो लड़ना है कुछ पैसा बढ़ जाएगा, तो मात्र 320 रुपया हम लोगों को बढ़ेगा, तो 320 रुपये हम लोगों को बढ़ जाएंगे और 320 तरह की परेशानी बढ़ जाएगी। क्या इन 320 तरह की परेशानियों के को लेकर के इसके साथ साथ आप क्या 320 रुपये का फायदा लेना चाहेंगे आर्थिक रूप से, और वो भी फायदा कब तक, जब तक कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। हमारा जिस दिन प्रमोशन हो जाएगा उस दिन आज के डेट में एक व्यक्ति चले जाए विशिष्ट शिक्षक में, एक रह जाए नियोजित शिक्षक, और कल को जब प्रोन्नति हो जाएगी तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन के आधार पर, उनको जब अगला जैसे ही ग्रेड पे मिलेगा तो आप विशिष्ट शिक्षक से अधिक हो जाएंगे, तो विशिष्ट शिक्षक वाले का वेतन कम जाएगा और नियोजित शिक्षक का वेतन बढ़ जाएगा। तो ये और प्रमोशन के हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हुए हैं और लड़ाई हमारी चल रही है, हम बहुत सारा चीज़ खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन वो हम प्रमोशन देखिए अभी आया ना, एक जिले का दे दिया 12 वर्षों के आधार पर प्रमोशन, तो 12 वर्ष के आधार पर तो हम लोग भी चाहें तो हर जिला में लड़ करके करा लें, लेकिन 12 वर्ष वाला हमको नहीं चाहिए, हमको स्नातक ग्रेड में चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक में कोई भी विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएगा, उसका प्रधानाध्यापक का एवेन्यू बंद है,
लेकिन हमारे मामले में प्रधानाध्यापक एवेन्यू खुला हुआ है, तो हमारे बीच के लोग प्रधानाध्यापक तक प्रमोशन पाएंगे, तो प्रमोशन में हमारा नुकसान हो जा रहा है। रही बात ईएल की, तो ईएल हम उन लोगों को 300 दिन मिलता है, हम लोगों को 200 दिन मिलता है स्टोर करने के लिए। अभी बात चल रही है सरकार में, हम आपको बता देते हैं, इंटरनल बातें हैं, लेकिन यह बात चली है, उच्च स्तर पर चर्चा चली है इस बात की कि गर्मी की छुट्टी जो पहले से दी जाती थी, तो शिक्षकों का पद वेकेशनल पोस्ट होता था, और इसी वेकेशनल पोस्ट होने के कारण शिक्षकों को मात्र रेगुलर टीचर को 14 दिन का ईएल मिल रहा था, और नियोजित शिक्षकों को मात्र 11 दिन का ईएल मिल रहा था प्रत्येक वर्ष। तो यह चर्चा चली है, क्योंकि ऊपरी स्तर पर लोगों ने बात उठाई कि भाई जब आप सालों भर काम लीजिएगा तो उसको ईएल बराबर क्यों नहीं दीजिएगा, तो अन्य राज्यकर्मियों को 33 दिन का ईएल मिलता है, तो ईएल का लाभ हमें भी मिलेगा, और उस ईएल के तो पेंशन पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जो लोग भी 2012 में 34,540 कोटि के लोग बहाल हुए, ये शिक्षक लोग वह एनपीएस के दायरे में थे, तो एनपीएस के दायरे में जो लोग थे उन लोगों को 10 वर्ष सेवा करने के बाद जब रिटायर किए हैं, तो किन्हीं को 1700, किन्हीं को 2000 रुपया यही पेंशन मिला। अब हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, हम लोगों को पेंशन नहीं है, लेकिन जो ईपीएफ वाला जो मामला है, ईपीएफ में जो हमारा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन है, सरकार भी जो अंशदान करती है, उसमें भी पेंशन प्लान है। तो पूर्व से जो ईपीएफ का पेंशन प्लान है उसमें था कि 10 वर्षों तक अगर आपकी कटौती होती है तो न्यूनतम 1000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा ईपीएफ। लेकिन अब बात चली भारत सरकार में कि पेंशन जो है 1000 रुपये देने का कोई मतलब नहीं है, 1000 रुपये से क्या होगा, तो भारत सरकार ने फाइल बढ़ा दिया डिपार्टमेंट में, और इस पर बात हो गई है कि न्यूनतम पेंशन 7000 रुपये दिए जाएंगे जिनका 10 वर्ष ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो यहाँ दो लड़ाई हमारी होगी, एक तो कि हम सभी लोगों को अभी जो ये 2020 से ये 22 से जो हमारा जो ये शुरू कर रहे हैं ईपीएफ में कटौती का, तो हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रोविजन बना हुआ है ईपीएफ एक्ट 1952 में, यह प्रोविजन है कि जिस तिथि से कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसी तिथि से उसको ईपीएफ का लाभ देना है, और उस डेट से अगर नहीं दिया गया है तो नियोक्ता को पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज की लड़ाई हम लड़ेंगे कि सभी लोगों को उस डेट से जोड़ करके दीजिए, तो आज के डेट में देना पड़ेगा, तो इस चीज की भी लड़ाई हम लड़ेंगे कि सभी लोगों को उस डेट से जोड़ करके दीजिए। तो आज के डेट में अगर हम चले जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में, वो लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे, तो हमारे 20 वर्षों का कंट्रीब्यूशन भी सरकार को देना पड़ेगा, और ये इसमें कितने लाख रुपए होंगे और ये जमा करना पड़ेगा, और इसके आधार पर हमारा जो पेंशन होगा बहुत आगे चला जाएगा। तो हम आज जो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में, तो उसमें जितना पेंशन मिलेगा उससे ज्यादा पेंशन हमको ईपीएफ में मिल जाएगा। हम जब अभी जिससे जो लोग जाएंगे उसमें 10 साल 15 साल पर जाएंगे तो 2000-3000 रुपया पेंशन मिलेगा एनपीएस में। अब एनपीएस का पेंशन क्या होता है, एनपीएस का पेंशन शेयर मार्केट आधारित होता है, तो उसका लाभ जो है पेंशन के मामले में भी ईपीएफ वाले लोग ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे, जो स्थिति बनेगी। अगर हम पहले की लड़ाई लड़ जाएंगे तो उनकी सेवा का सब कुछ देना पड़ जाएगा, और हर आदमी देना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये मैंने नफा नुकसान बता दिया प्रमोशन के इशू पर, रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन के इशू पर, हमने इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। इसलिए इन चीज़ों के आधार पर देखा जाए, मुझे लगता है कि हमारी जब सेवा नए ढंग से काउंट होगी और हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन चीज़ों का हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी राय यही है कि सरकार अगर बिना शर्त अगर उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा देती और ये तमाम चीज़ें पहले वाली सब कुछ दे करके और उसमें सभी लोग सभी चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया जाता, हमारे खुद के लेकर सभी सुकाउंट कर दिया जाता, अब कुछ बात बनती, लेकिन ये चीज़ नहीं। और सरकार की जो मंशा है वह मंशा क्या है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सरकार यही चीज़ चाह रही है कि सभी लोगों को अपने पाले में लें, किसी प्रकार से लें अपने अधीन, क्योंकि अभी इनका वश नहीं चलता है। अभी जो ये जल्लाद की तरह आदेश पारित कर देते हैं कि इनकी सेवा समाप्त कर दो, FIR कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये जो करते रहते हैं, तो अगर इनके हाथ में रखता है तो अभी तक नहीं सब वो खा चुका जाते हैं जो लोग लड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ बात ऐसी है कि हम निजन का एक अधीन है जो डायरेक्ट इनका वश नहीं चल रहा है, नहीं तो ये पूरी तरह बर्बाद करके रख देते। इसलिए हम समझते हैं कि विशिष्ट शिक्षक की जो ये परीक्षा है, ये सक्षमता 2, ये हम लोग का जो पूर्व का स्टैंड है उसी स्टैंड पर हम लोग को कायम रहना चाहिए, कोई लाभ उससे हम लोग को नहीं। कुछ शिक्षक का कहना है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी तो उन्हें वेतन मिलने में देरी होगी। देखिए, किसी काम को नहीं करने के हजारों बहाने हैं और उसी काम को कर लेने के भी सैकड़ों बहाने हैं।
ये जो लोग भी कह रहे हैं वे लोग कन्फ्यूज लोग हैं और उन लोगों को कुछ भी पता होता है नहीं। अब उन लोगों को अपने पक्ष में लॉजिक देना है, क्योंकि उनको परीक्षा देने का मन है। जब मन है तो कैसे कहेंगे कि हाँ परीक्षा कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे, तो इस तरह तरह की बात सुनते हैं। उनको सपना आता है, सपना में जान गए लोग, भविष्यवक्ता है ये लोग। ये फालतू बात है। जो लोग भी कह रहे हैं कि कम संख्या में बच जाएंगे तो वेतन इनको मिलने में परेशानी होगी, ये कम रहेगा तो उसी को वेतन देने में आसानी होगी। तो कॉमन सी बात है, इसकी संख्या कम रहेगी तो उसके लिए कम पैसे का उपबंध करना पड़ेगा। तो जब कम लोग रहेंगे तो उनको कम पैसा उपबंध करना होगा तो सरकार आसानी से दे देगी। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, नहीं मिलेगा तो उनको परेशानी होगी। ये कौन सा फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं शिक्षक लोग। ये कोई भी शिक्षक इस तरह की बात करता है वो तमाशा कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि उनको परीक्षा देने का मन है। जिनको देने का मन है तो उनको जाकर कर भाई कोर्ट तो रुक नहीं रहा। ये तो सहमति असहमति और समझदारी की बात है, इसलिए यह फालतू बात है। कोई भी लोग जो कह रहे हैं कि जो कम लोग बच जाएंगे तो उनको शेर आके बिल्ली आके खा जाएगी, और यही लोग थे तो ये लोग छत्ता अड़े हुए थे, पिछला खम्मा था घर में गिर जाता, ऐसा थोड़ी होता है। एक भी अगर जिस दिन शिक्षक, एक भी व्यक्ति भी नियोजित शिक्षक बचेगा, उस दिन तक उनके लिए जो उनका सारा एवेन्यू खुला रहेगा और उन नियमावली में जो लाभ प्रदान किया गया है वो सारा लाभ उनको मिलेगा। इसलिए ये फालतू की बात है, ये मैं सीधे से खारिज करता हूँ इस बात को कि कम लोग बचेंगे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको परेशानी, कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया में यह बात फैलाई जा रही है कि जो भी शिक्षक नियोजित रह जाएंगे उनका भी दूसरे जिले में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया में रायता फैलाने वाले जो लोग हैं कि क्या आप लोग हमको घर में जाके झाड़ू पोछा करते हैं, कहा कि इनको कानून लोग कह दिया है कि नहीं परीक्षा नहीं मिलेगा, जो लोग बच जाइएगा तो आप लोगों को दूसरे दूसरे जिला में भेज देंगे। किसने कहा? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग इस तरह का रायता फैला रहे हैं, और रायता फैलाने वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। कहाँ से जाएंगे जब यही चीज वो कर सकते हैं, अंतर जिला स्थानांतरण कर देते तो इतना ड्रामा क्यों करना होता, तो आसानी से कर देता, तो परीक्षा लेने के लिए कहा जाता है। या जो कुछ भी किया जा रहा है, ये जिस तरह जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वे सभी लोग केवल शिक्षकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसी शिक्षक को इस चीज झांसे में नहीं आना है। ये बात तय है कि हमारा जो नियोक्ता वो नियोजन इकाई, और नियोजन इकाई के क्षेत्राधिकार की जो बात है वो नियोजन इकाई अपने अधीन स्थान है। जब इस समय शिक्षकों का सामंजन हुआ उसमें भी किया गया है, बहुत सारे लोग नियोजन इकाई का अधीन स्थानांतरण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का प्रशासनिक भी हुआ, तो वो नियोजन इकाई का अधीन तो हो सकता है, इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहेंगे कि अब मुजफ्फरपुर के शिक्षक को हम आरा भेज देंगे तो ये किसी के बस की बात नहीं है, और इस तरीके से वो नहीं कर सकते। और हमारे लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन है, इसलिए मास लेवल पर इस तरह का ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग भी सोशल मीडिया में इस तरह की बात करते हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, इस अफवाह से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि और आपको बेहतरी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मैं तमाम साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा इस बात को याद रखिएगा, भीड़ कभी विजन नहीं बन सकता, और आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए तो विजन का हिस्सा बनिए। भीड़ का हिस्सा बनिएगा, आज लड़ाई कितने लोग लड़े, जब पटना में आंदोलन का आह्वान होता है तो कभी कभी भीड़ हम लोग निकाल लेते हैं तो 1-8 लाख लोग चले जाते हैं, लेकिन वह भीड़ कितने देर तक टिकती है। उसी तरीके से ये लोग जो सोशल मीडिया पर आता फैलाने वाले लोग, ये टिकाऊ लोग नहीं, ये लोग अलग रूल जुलूल तर्क पेश करके आपको बतला रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। जो गुमराह कर रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, उनसे पूछिए कि क्या आपको ये जो ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं उनके घर में आपकी रिश्तेदारी है कि उनके घर में आप जाके झाड़ू पोछा का काम करते हैं, क्या करते हैं आप? तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से पूरी अपडेट यहाँ पे सुनी, ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो भी सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं शिक्षक, उनको बहुत सारी लाभ और सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी। क्या कुछ अंतर होगा उन शिक्षकों में जिन्होंने सक्षमता दिया है और जिन्होंने सक्षमता नहीं दिया है, तो बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने उभर के आ रही है। वीडियो पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार जो है आप बने रहिएगा, पल पल की सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है ब्रजवासी सर को सुना और उन्होंने अपनी बातों को रखा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, सारे मुद्दे पे विचार विमर्श किया। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो भी हमारे न्यू शिक्षक हैं घबराए नहीं,
सहायता ना देने वालों के लिए भी अच्छी खबर, उनको भी मिलेगा प्रोन्नति का लाभ, प्रमोशन का लाभ और बहुत सारी सुविधाएं। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।